Hello everyone and welcome to Mind Review. I am Sakshi Kaushik and also I welcome you to our 45 days of marathon on general psychology. Today is day 20. तो अगर आपने डे 1 टू डे 19 के बीच में कोई भी वीडियो मिस करी है देन आई रियली रिक्वेस्ट और आई रियली अर्ज यू टू प्लीज वॉच दोज वीडियोस क्योंकि हम एक कंटिन्यूएशन में चल रहे हैं और अगर आप उन वीडियोस को नहीं देखेंगे तो आपका बहुत बड़ा लॉस भी हो सकता है इन टर्म्स ऑफ नॉलेज. सो उन वीडियोस को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक पूरी प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी है 45 डेज मैराथन ऑन जनरल साइकोलॉजी के नाम से, जिसमें हर दिन की डे 1 टू डे 19 तक की वीडियोस, अभी जितनी भी वीडियोस अपलोड हुई है वो सारी वीडियोस उस प्लेलिस्ट में प्रेजेंट है. सो लेट अस गेट स्टार्टेड विद टुडेज वीडियो. आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे न्यूरो इमेजिंग टेक्निक्स. अब हमने पिछले कुछ वीडियोस में बायोसाइकोलॉजी के बारे में ही बड़ी डिटेल में बात की है, नर्वस सिस्टम के बारे में, ब्रेन के बारे में और भी काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में. सो लेट अस नाउ डिस्कस कि डिफरेंट टाइप्स की न्यूरो इमेजिंग टेक्निक्स जो होती हैं उसमें क्या होता है, राइट? तो सबसे पहले तो न्यूरो इमेजिंग टेक्निक्स हम करते क्यों हैं, राइट? वाई आर दे इम्पॉर्टेंट? नाउ डिफरेंट न्यूरो इमेजिंग टेक्निक्स अलाउ द साइंटिस्ट टू इन्वेस्टिगेट द स्ट्रक्चर और द फंक्शन ऑफ द लिविंग ब्रेन. अब देखो, हमारा जो ब्रेन है, सारे लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है उस ब्रेन के स्ट्रक्चर को स्टडी करने में, उस ब्रेन के फंक्शन को स्टडी करने में, राइट? बट इम्पॉर्टेंट क्या है कि हम लिविंग ब्रेन के स्ट्रक्चर और फंक्शन को स्टडी करें. यानी कि जब एक इंसान, यू नो, व्हेन अ पर्सन इज अलाइव, जब एक इंसान जिंदा है तो उसका जो ब्रेन होता है वो, उस वक्त हम उस ब्रेन को बोलते हैं कि वो लिविंग ब्रेन है. तो उस समय अगर हम ब्रेन के स्ट्रक्चर को और ब्रेन के फंक्शन को स्टडी करेंगे तो वो हमें ह्यूमन प्रोसेसेस और ह्यूमन बिहेवियर के बारे में भी बहुत कुछ इंफॉर्मेशन दे सकता है. इसीलिए हम यूज करते हैं न्यूरो इमेजिंग टेक्निक्स. सो लेट अस नाउ वन बाय वन स्टडी की कौन सी न्यूरो इमेजिंग टेक्निक्स है. तो जो हमारी फर्स्ट न्यूरो इमेजिंग टेक्निक है वो है ईईजी. ईईजी है शॉर्ट फॉर्म एंड इट स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम. ठीक है, ईईजी स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम. और ये क्या अलाउ करता है? इट अलाउज द रिसर्चर्स टू लुक एट द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द सरफेस ऑफ द ब्रेन. ठीक है, तो ईईजी क्यों यूज हो रहा है? ताकि रिसर्चर्स जो है, जो हमारा ब्रेन का जो सरफेस होता है, सरफेस यानी कि ऊपर का जो हिस्सा है, उसमें क्या इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज हो रही हैं वो रिसर्चर्स अच्छे से देख सके, समझ सके through the use of electrodes that are placed on the scalp that are then amplified and viewed using a computer. तो electrodes होते हैं, उन electrodes को हमारे scalp यानी कि जो हमारा सर है, जिस पे बाल है हमारे, right, उसे बोलते हैं scalp. तो scalp के ऊपर electrodes को लगाया जाता है और फिर उसके बाद उन electrodes से जो electrical activity आ रही है उसे amplify यानी कि उसको और बड़ा करके देखा जाता है computer के अंदर. फिर उस चीज़ के थ्रू हम, ये जो रिसर्चर्स हैं, वो ब्रेन का जो सरफेस है उसकी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ को अच्छे से स्टडी कर लेते हैं. सो दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग इन ईईजी इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम, राइट? सेकंड वाला है सीटी स्कैन. अब ये सीटी स्कैन तो आप में से आई गेस बहुत ही ज़्यादा लोगों ने सुना होगा, राइट? टीवी में भी बहुत बार बोलते रहते हैं सीटी स्कैन कराना पड़ेगा. सो व्हाट डज दिस सीटी स्कैन स्टैंड फॉर? इट स्टैंड्स फॉर कंप्यूटेड टोमोग्राफी. ठीक है, फुल फॉर्म भी आपको याद कर रखना ज़रूरी है. सी टी स्कैन, कंप्यूटर टोमोग्राफी, दीज आर कंप्यूटर एडेड एक्सरेज ऑफ द ब्रेन एंड शो द स्कल एंड द ब्रेन स्ट्रक्चर. तो सी टी स्कैन्स बेसिकली एक्सरे की तरह ही होते हैं, पर ये कंप्यूटर एडेड एक्सरे होते हैं, यानी कि कंप्यूटर की मदद से एक्सरे निकाला जाता है ब्रेन का. और उस एक्सरे में हमें क्या दिखता है? स्कल जो है हमारा, उसका स्ट्रक्चर और हमारे ब्रेन का स्ट्रक्चर. तो जैसे ये जो ईईजी है, ईईजी में तो हमें ब्रेन के सरफेस की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज के बारे में पता लग रहा था, राइट? ऐसे ही सीटी स्कैन्स में हमें किसका पता लग रहा है? हमारे स्कल और ब्रेन के स्ट्रक्चर का विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर एडेड एक्सरेज. तो ये हो गया आपका सीटी स्कैन, जो कि एक न्यूरो इमेजिंग टेक्निक है. नेक्स्ट है एमआरआई स्कैन. इसके बारे में भी ज़रूर सुना होगा कि एमआरआई कराना पड़ेगा. एमआरआई का फुल फॉर्म क्या है? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग.
आई होप आप इन चीजों को लिख रहे हो साथ साथ, नहीं तो ऐसे सुनने का सिर्फ कोई फायदा नहीं होगा, लिखो साथ में, राइट? पन्ना पेपर लो, जहाँ जहाँ भी उसे लिखो, अपने स्टडी टेबल पे कहीं भी उसे रखो, एवरीडे रिवाइज करो इन चीज़ों को. तो MRI स्कैन का फुल फॉर्म है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग. ये क्या करते हैं, अब जैसा कि नाम में ही है मैग्नेटिक, सो दे यूज मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड यूज करते हैं, रेडियो पल्सेस यूज करते हैं, और एक कंप्यूटर भी यूज करते हैं टू गिव द रिसर्चर्स एन इवन मोर डिटेल्ड लुक एट द स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रेन. तो देखो, सीटी स्कैन में भी हमें ब्रेन का स्ट्रक्चर तो मिल रहा था, है ना, तो फिर हमें MRI की क्या ज़रूरत पड़ गई. सीटी स्कैन में जो ब्रेन का स्ट्रक्चर मिलता है वो एक एक्सरे के फॉर्म में होता है, जो बहुत डिटेल्ड नहीं होता. ठीक है, सुपरफिशियल स्ट्रक्चर मिलता है, पर जो MRI है उसमें हमें ब्रेन का एक डिटेल्ड स्ट्रक्चर दिखाई देता है, एक डिटेल्ड लुक होता है ब्रेन के स्ट्रक्चर का, क्योंकि हम इसमें मैग्नेटिक फील्ड्स भी यूज़ कर रहे हैं, रेडियो पल्सेस भी यूज़ कर रहे हैं, कंप्यूटर, तो बहुत सारी चीज़ें यूज़ करके हम ब्रेन का एक डिटेल्ड स्ट्रक्चर देख पाते हैं विद द हेल्प ऑफ MRI स्कैन, विच इज़ अगेन अनदर न्यूरो इमेजिंग टेक्निक. नेक्स्ट है fMRI. तो ये था MRI, ये है fMRI विच इज़ फंक्शनल, और MRI का फुल फॉर्म तो सेम ही रहेगा, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग. तो फंक्शनल MRI का क्या मतलब हुआ, इट अलाउज द रिसर्चर टू लुक एट द एक्टिविटी ऑफ द ब्रेन ओवर अ टाइम पीरियड. तो अब देखो, फंक्शनल का मतलब ही है फंक्शन. फंक्शन यानी कि क्या फंक्शन करता है ब्रेन, ब्रेन क्या एक्टिविटीज करता है. तो जहाँ पे MRI वॉज गिविंग यू अ लुक, अ डिटेल्ड लुक एट द स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रेन, fMRI is allowing the researcher to look at the activity, यानी कि function of the brain over a time period. कि अगर एक इंसान को कोई cognitive task दिया गया, cognitive task क्या होता है, जिसमें उस इंसान को बहुत ज़्यादा सोचना पड़े, है ना, कोई mathematical sum solve करने के लिए दे दिया, तो उसमें उस इंसान को brain लगाने की ज़रूरत पड़ेगी, काफ़ी ज़्यादा सोचना, cognitive skills use करना पड़ेगा. तो उस sum को solve करते वक्त brain में क्या activities चल रही हैं वो देखा जा सकता है विद द हेल्प ऑफ fMRI, राइट? उसके बाद आ जाता है PET, पेट. अब ये पेट हमारा वो वाला पेट नहीं है जिसको हम सब शायद प्यार करते हैं, घर पे रखते हैं. इट स्टैंड्स फॉर पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी. ठीक है, पेट क्या है, पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी. अब ये PET पेट स्कैन्स क्या यूज करते हैं, दे यूज अ रेडियो एक्टिव शुगर इंजेक्टेड इन टू द ब्लड स्ट्रीम to track the activity of the brain cells. तो ये एक रेडियो एक्टिव शुगर यूज़ करते हैं. ठीक है, वो मामूली हमारी जैसे हम घर में चीनी यूज़ करते हैं वो शुगर नहीं, एक रेडियो एक्टिव शुगर होती है. उस शुगर को विद द हेल्प ऑफ एन इंजेक्शन सिरिंज या किसी चीज़ की हेल्प से वो एक जिसके ऊपर ये टेस्ट हो रहा है उसके ब्लड स्ट्रीम में उस रेडियो एक्टिव शुगर को डाला जाता है, और उसको ब्लड स्ट्रीम में डालने के बाद क्या करते हैं, जो हमारे ब्रेन में सेल्स होते हैं, राइट, उन ब्रेन के सेल्स की एक्टिविटी को ट्रैक किया जाता है, विच इज इन्हांस्ड एंड कलर कोडेड बाय अ कंप्यूटर. और फिर इन एक्टिविटीज़ को, जो ब्रेन के सेल्स की एक्टिविटीज़ को ट्रैक कर रहे हैं, उस एक्टिविटी को थोड़ा और बड़ा करके अच्छे क्लैरिफाइड वर्जन में देखा जाता है विद द हेल्प ऑफ अ कंप्यूटर. तो ये रोल है पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी का, PET पेट. सो दीज वर द वेरियस न्यूरो इमेजिंग टेक्निक्स जो हमने पढ़ ली है. ठीक है, हमने EEG को पढ़ा, CT स्कैन, MRI स्कैन, fMRI, PET. तो ये है अभी के लिए जो आपको पता होनी चाहिए, फुल फॉर्म्स और इनका फंक्शन. नाउ इज अ टाइम फॉर अ स्मॉल क्विज, जो कि हम हर दिन वीडियो के एंड में लेते हैं, विद द हेल्प ऑफ विच यू कैन टेस्ट योर ओन नॉलेज. तो ये छोटे छोटे दो क्वेश्चंस हैं, आप इन्हें अपने खुद के पेस पे आंसर कीजिए, खुद से आंसर कीजिए, इज़ अ वेरी बिग थिंग. जब आपको लगे कि हाँ ये पूरी वीडियो मुझे अच्छे से समझ आ चुकी है, नॉलेज मैंने गैदर कर ली है, फिर आप इन दो छोटे छोटे क्वेश्चंस को आंसर कीजिए. यू कैन राइट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन या फिर अपनी नोटबुक में, और फिर करेक्ट आंसर्स आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से देख सकते हैं, एंड यू कैन mark yourself in this quiz कि आपने कितना स्कोर किया. एंड इफ़ यू विश, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आप उस स्कोर को हम सब के साथ शेयर कर सकते हैं. इफ़ यू हैव एनी डाउट, उस डाउट को नीचे कमेंट सेक्शन में डाल के पूछ सकते हैं. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टूडेज वीडियो. कल मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, जिसमें हम बात करेंगे ब्रेन के स्ट्रक्चर की. तो वो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, एंड एट द सेम टाइम बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी होने वाली है. सो बी रेडी टुमारो एट 2 PM शार्प, नई वीडियो अपलोड हो जाएगी. बिकॉज नाउ नो इफ नो बट,
only study with us in this 45 days marathon on general psychology. So till then, have a good day and bye-bye.